मंत्र वास्तु जैन ज्योतिष मंत्र उच्चारण का विशेष अभ्यास करने वाले विश्व प्रसिद्ध अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ श्री निकुंज भाई गुरु जी ने देश विदेश के अनेक संघों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अभियान 18 साल से पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना जैन मंत्र शास्त्र योग ध्यान प्राचीन शिल्प और वास्तु के 18 से अधिक ग्रंथों का संपादन संकलन अभी तक 100 से अधिक साधु साध्वी जी भगवंतों को सम्यक ज्ञान पान कराया। 2011 में लगातार 3 महीने तक महाराष्ट्र के छोटे छोटे गाँव में नवकार महामंत्र की विशिष्ट आराधना और अनेक व्यक्ति को व्यसन मुक्ति अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन। 2012 में हिंदू वैदिक संस्था की ओर से मंत्र और वास्तु विद्या का गहन अभ्यास। 2015 में नैरोबी मोम्बासा थीका दार ए सलाम आदि अनेक देशों में जीवन परिवर्तन शिविर। 2019 में यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। 2019-20 में समग्र जैन शासन में रात्रि प्रवचन माला से 150,000 से ज्यादा लोगों को भक्तामर हीलिंग अभ्यास। 2021 इंदौर में द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। 2022 श्री दुबई जैन संघ एवं सूडान अफ्रीका में नव दिवसीय भक्तामर हीलिंग साधना जैन अनुष्ठान के द्वारा 2 बार 125,000 कमल पुष्प से माँ भगवती पद्मावती का अनुष्ठान अहमदाबाद जैन अनुष्ठान के द्वारा 1 बार 125,000 कमल पुष्प से श्री यंत्र विधान श्री भवानी माता मंदिर पूना विश्व में सबसे पहली बार अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर 3600 सजोड़े को बिठाकर आसो सुदी 5 के दिन श्री माणिभद्र वीर महाहवन पूजन किया है। ऐसे परम ज्ञानी जन समाज के उत्थान के प्रति अग्रणीय रहने वाले गुरु जी ने न जाने कितने धर्म किए हैं और करते जा रहे हैं। जय जिनेन्द्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। बंधु, एक बात आपसे कहना चाहूंगी कि भक्तांबर द्वारा हर समस्या का समाधान आप सभी ने प्राप्त किया है, और अगर यदि आप जैन समुदाय से हैं तो आपने स्वयं भी बहुत सारे ऐसे इवेंट अटेंड किए होंगे जहां पर भक्तांबर हीलिंग के माध्यम से आपकी तमाम समस्याओं का समाधान हो रहा होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं उन दर्शकों के लिए, विशेषकर जो गाँव ऐसे गाँव में रहते हैं जहाँ पर संत महात्मा नहीं पहुँच पाते, लेकिन वहां पर भी एक ऐसी संस्था है जो जाके भक्तांबर हीलिंग से उनकी समस्या का समाधान करती है। चाहे वो गंभीर से गंभीर बीमारी हो या आपके जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की समस्याएं, आपके बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित हो या आपका दाम्पत्य जीवन से संबंधित हो, हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपके घर आकर गांव-गांव में जाकर भक्तांबर हीलिंग के माध्यम से की जाती है। और संस्था का नाम है जैन अनुष्ठान संस्थान। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको मिलेगा आपकी समस्त समस्याओं का समाधान। और सबसे बड़ी गौरव की बात है कि ये संस्था में जो सर्वोपरि है, जिनके माध्यम से चीजें की जाती है, उनका नाम है पंडित निकुंज गुरुजी। अब नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है वो, क्योंकि आप में से कई लोग हैं जिनकी समस्या का समाधान उनके माध्यम से किया गया है। तो चलिए सर्वप्रथम कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करते हैं। गुरुजी जय जिनेन्द्र। गुरुजी, उन दर्शकों के लिए जो शायद आपसे अब जुड़े हैं पारस चैनल के माध्यम से, मैं उनके लिए जानना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके द्वारा जो जैन अनुष्ठान जो संस्था है चलाई जाती है, और इसके अंतर्गत उन लोगों को बुलाया जाता है, जोड़ा जाता है जिनको बहुत गंभीर बीमारी है। जैसा कि हमने सुना है, अगर कैंसर 3rd stage का है और डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, आपके द्वारा उन्हें भी पूरी तरीके से रिकवर कराया गया है, तो क्या है, कैसे आप काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं पारस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सभी दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। और पहले नंबर की चीज़, आप जल्दी से जल्दी हमारा जो जैन अनुष्ठान फेसबुक है, यूट्यूब है, और हमारी एंड्रॉयड में और आईफोन में एप्लीकेशन है, और जहाँ पर हमारी काफ़ी सारी फ्री चीज़ है जो आप मैक्सिमम पीपल यूज़ कर सकते हो। बहुत सारा साउंड है, बहुत सारे थीसिस हैं, कैसे हम कैंसर के पेशेंट के ऊपर, कैसे हम किडनी के पेशेंट के ऊपर, अभी वर्तमान समय का जो बड़ी समस्या डिप्रेशन है, उनसे भी बड़ी समस्या जो है आँखों की समस्या है, एक एक चीज़ों को कैसे आप अपने घर पर किसी भी प्रकार का 1 रुपया खर्च करे बगैर क्योर कर सकते हो, और उसमें हमारा हर पल साथ और सहकार रहेगा।
पिछले 4 साल से लॉकडाउन के दरमियान, उसके बाद हम व्यक्तिगत रूप से गांव गांव शहर शहर जा करके इसके भगटामर के कैंप लगा रहे हैं। हीलिंग की हमारी शिविर चल रही है, जिसमें एडवांस लेवल की शिविर चल रही है, भगटामर के एडवांस लेवल के हीलर हम तैयार कर रहे हैं, और उन सभी के माध्यम से मंत्र सब लोग गिनते, आधा घंटा गिनते, 1 घंटा गिनते हैं, लेकिन उनकी अनुभूति नहीं होती। वो साइंस क्या है कि कैसे हम पार्श्वनाथ भगवान को, आदिनाथ भगवान को बोले, गिने, और वो शक्ति का हमें एहसास हो। यानी आप, हम ये कह सकते हैं कि सीधे भगवान से एक तरीके से कनेक्शन बनाते हैं उन मंत्रों द्वारा। आपने प्लेटफॉर्म की बात की है कि ये ऐप है एक, जिसके माध्यम से जो लोग बहुत अधिक पढ़े नहीं हैं, वो ही बहुत आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो किसकी, या रिटन बेस में भी है, साउंड बेस में भी है, विजुलाइजेशन भी है, टेक्स्ट में भी है, तो उस ऐप की बात जो आपने बताई है, हमने पहले खास करके 125 अलग अलग डिफरेंट वे में, जिसको 9 बार भक्तामर सुनना है, जिसको 27 बार सुनना है, जिनको 108 बार सुनना है, जी, अलग अलग तरीके से किया हुआ है। 125 अलग अलग ट्रैक हमारे रेडी है। जैसे आपको पता है कि किसी को पैरालिसिस है और आप उनका बर्थडे है, तो उनको अब ये ट्रैक गिफ्ट दे दो कि सुबह में वो जैसे ही रिकवर हो जाएगा, जिसका इसका पंचिंग हो जाएगा, उसके पास में खाली आप रख दो और संकल्प कर दो कि मेरे पिताजी है, मेरे भाई है, मेरा जो काका का लड़का है, कोई भी है, यूनिवर्सल का आभार व्यक्त करते हुए सकारात्मक शब्द में। डायबिटीज इसलिए नहीं मिटता है, बहुत सारे हजारों डायबिटीज के पेशेंटों को ये ऑल्टरनेट मंत्र चिकित्सा, रेकी चिकित्सा, हीलिंग चिकित्सा से हमने ठीक किया है, और वो सारे एविडेंस गूगल के ऊपर अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपकी प्रार्थना का एक कॉमन सामान्य नियम, आपको कभी भगवान का जाप करते हो, पगे लगते हो, मंत्र जाप गिनते हो, तो सकारात्मक शब्द का प्रयोग करना है। जैसे आप डायबिटीज के मंत्र गिनते हो, बहुत सारे लोग प्रार्थना नवकार मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान जी का मंत्र बोलते बोलते पहले बोलते मेरा डायबिटीज मिट जाए। फ्रीक्वेंसी साइंस ये कहता है, शब्दों का साइंस ये कहता है कि जो आप बोलते हो वही आपके साथ होता है। जब आप बार बार डायबिटीज 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 बोलोगे, तो कभी भी आपकी जिंदगी में करोड़ों मंत्र गिनने के बाद डायबिटीज नहीं जाएगा। आप दवा बोलते हो, बहुत सारी लेडीज है, बहुत सारी जो भाभियाँ हैं, बहनें हैं, माता है, वो गलतियाँ करती, 5 बजते 6 बजते अपने पतिदेव को बोलते दवा ले लो, दवा ले लो, दवा ले लो, आपके घर में से कभी भी दवा नहीं जाने वाली, क्योंकि आपके घर में जो वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, शब्द की जो ऊर्जा क्रिएट हो रही है, वो नेगेटिव ही हो रही है। तो तबीयत को ठीक करने का एकदम सरल मंत्र, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कॉमन से कॉमन व्यक्ति करते हैं। आपको गायत्री मंत्र अच्छा लगता है, आपको हनुमान जी का मंत्र अच्छा लगता है, आपको नौकार मंत्र अच्छा लगता है, आपको भक्तामर की गाथा अच्छी लगती है, तो वह गिनने से पहले दोनों हाथ जोड़ करके डीप ब्रीथिंग 3 बार श्वासोश्वास लइए, और इस मंत्र से मेरे रोम रोम में स्वस्थता बढ़ रही है। स्वस्थता शब्द जो है फ्रीक्वेंसी आपको ठीक करने की बनाएगा। तो कोई भी रोगी है, उनको आज से मेरा रोग मिट जाए ये प्रार्थना नहीं करना है, मैं रोम रोम से स्वस्थ बन रहा हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन के ऊपर बहुत सारी PDF है, बहुत सारे ऋषि मुनियों से, साइंटिस्टों से, बड़े बड़े गुरुओं के पास से जो मैंने सीखा है, वो सब PDF है, आप उसको लर्न कर सकते हो, पढ़ सकते हो। विश्व के अंदर 1700 से भी ज़्यादा टेस्टिमोनियल और वीडियो आपको जैन अनुष्ठान के ऊपर से मिलेंगे, उन सभी की हर चीज़ की। जैसे भी दीपावली आ रही है, उसके बाद पोष दशमी की आराधना आएगी, गुरु कैसे बनाते हैं, गुरु की परीक्षा कैसे करते हैं, गुरु की अवधारणा कैसे करते हैं, पानी को कैसे चार्ज, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना, खाली आप वाटर चार्जिंग करो आपके हाथ में, और वो भी प्रोसेस, और मैं ये जो बता रहा हूँ उसकी सारी प्रोसेस की सिस्टम है 3 मिनट, 3 मिनट में आप ठीक हो सकते हो। शायद आपको सुनकर के आज आश्चर्य होगा कि हम 1-1 घंटे तक माला गिनते, जप करते, तप करते, ये करते, हमने इतना छोटा सा साइंस, उसके बाद मैं आपको एक बता रहा हूँ, ओनली फॉर 30 सेकंड की एक फॉर्मूला। आज ये जितने भी लोग देख रहे हैं, 21 दिन तक आप खाली ये करो, जैसे ही आप पानी पीते हो, आपके घर का पानी, आपके मटके का पानी, कहीं से भी आपके आत्माएं, आप हाथ में ले लीजिए, और आपको इतना ही बोलना है, मैं सर्वशक्तिमान भक्तामर हीलर हूँ। प्यार से उन पानी को आप देखिए और पानी गुड़गुड़ा करके पी जाइए, और आप बताइए पारस चैनल वाले को, बताइए मुझे, फ़ोन करके बताइए, आपके सारे रिश्तेदारों को बताइए, आपकी पूरी बॉडी के अंदर इतने हैप्पी हॉर्मोन्स बन जाएंगे, आपकी सोच जो है सकारात्मक बन जाएगी, जो सोचते हो वही आपकी लाइफ में होता है। बिल्कुल, तो ये बहुत उत्तम समय है, और उत्तम समय और उत्तम बनने वाला है, जी हाँ, 5 फरवरी 2023 में, जहाँ पर एक साथ 1000 कैंसर पीड़ित,
1000 ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या शादी में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं और जिसकी वजह से माता पिता डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि हर किसी माता पिता की एक ही चाह होती है कि उसके बच्चे की गृहस्थी अच्छी हो, लेकिन नहीं हो पा रही है। तो ये दुनिया के सबसे बड़े, अगर मैं कहूँ, बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट के बारे में थोड़ी सी विस्तार से जानकारी गुरुजी से लेते हैं। गुरुजी थोड़ा सा बताइए, इस पे विस्तार डालिए कि क्या है ये इवेंट और कहाँ हो रहा है। सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि कहीं ना कहीं हिडन पेन से आप कमजोर है, दुखी हो रहे हैं, आपके पास पैसा है तो भी वेलकम है, आपके पास पैसा नहीं भी है तो भी आप हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे गुरु ने मुझे 5 साल संपूर्ण मुफ्त में शिक्षा दी है, तो मेरा एक ऐसा भाव है कि एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को सुखी के साथ जीने जीने का हक है। तो 5 फरवरी बराबर आप नोट कर लीजिए। अभी तक करीबन हमने 50 नॉर्मल जिनको कैंसर है और 3 से 5 जैसे डिफरेंट प्रकार से जो कभी क्योर नहीं हो सकते हैं, और इन सभी की एविडेंस हमारे पास है, तो इन सभी लोगों के कैंसर 0-0। डॉक्टर आज भी हैरान है कि कैसे हो सकता है। तो वो भक्तामत की थेरापी से, नवकार मंत्र की थेरापी से लगातार 1-1.5 साल तक प्रयत्न से ठीक हुआ है। तो कोई भी व्यक्ति को कैंसर है, बम्बई के अंदर सन्मुखानंद हॉल 5 फरवरी रविवार के दिन आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। वहाँ पर लाइव प्रैक्टिकल क्या आपको सोचना है, कैसे आपको जीना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपके भीतर के अंदर आप एक पॉजिटिविटी को पॉजिटिव सोचो 2 मिनट रह सकते हैं, 3 मिनट, और आप इजीली कैसे रह सकते हो, वो छोटी छोटी टेक्निक आपको हम सिखाने का एक विनम्र प्रयास कर रहे हैं। तो पूरे विश्व भर के जो जो भी लोग हैं, वो सभी लोग, जिन जिन लोगों का मैरिज नहीं हो रहा है, मैरिज नहीं होना एक बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है, इतना भार हो चुका है, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे लड़के इतने खूबसूरत दिखते हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक कनेक्शन नहीं हो पाता है, एक धार्मिक व्यक्ति को धार्मिक नहीं मिलता है, एक मॉडर्न को मॉडर्न नहीं मिलता है, तो वो सेतु हम कैसे बनाएं। तो उनका भी भक्तामर सूत्र में ऐसा जबरदस्त कोटि का 12वीं गाथा का प्रयोग है, वो लाइव प्रयोग हम सिखाएंगे। और ये शिविर के बाद हजारों अनमेरिड लड़के लड़कियों की शादी हो, ऐसे हम ईश्वर को प्रार्थना करें। यानी कि अगर जिंदगी में छोटी छोटी चीजों को हम सही तरीके से करें तो जीवन में प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, जिसका लाइव एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं आने वाले फरवरी में। मैं यहाँ पर थोड़े से टिप्स लेना चाहूंगी आपसे कि जैसे डे टू डे लाइफ की बात करें, हैक्टिक शेड्यूल हो रहा है, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स होती नहीं है लेकिन अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से अच्छी खासी गृहस्थी, घर, बच्चे प्रॉब्लम हो रही है, सब बिगड़ जाते हैं। तो फिर कुछ टिप्स, उसका तीन चीजों आप लिख लो। एक जो कॉमन नॉर्मल साइंस है कि एक तो जो भी है अच्छे, पहले तो जीवन में गुरु का आविष्कार करो, जैसे फैमिली डॉक्टर होता है ऐसे फैमिली गुरु, 1 साल में या 6 महीने में उनको मिलने के लिए जाओ, और बहुत सारी बातें जो हम मगज में भर के रखते हैं वो गुरु के पास निकालो। एस्ट्रोलॉजी जो हमारी लाइफ में 33% असर देता है, गुरु के पास जैसे जाओगे वो बैलेंस हो जाएगा। वास्तु का बैलेंस कराओ। आज हजारों लोगों को, लाखों लोगों को रात को नींद नहीं आती, टेक्नोलॉजी के कारण रात को भी माइंड चलता ही रहता है। तो रिलैक्सेशन कैसे फील करेंगे, तो सबसे पहले मैक्सिमम कोशिश करो कि साउथ दिशा में सोना स्टार्ट कर दो। गुड स्लीपिंग, जब तक आप अच्छी तरह से सोओगे नहीं तब तक कभी भी अच्छी सुबह नहीं होने वाली है, तो घर में सोने की दिशा परफेक्ट कर लो। सेकंड नंबर के अंदर घर का किचन, खाना अच्छा नहीं बनेगा। हर महिलाओं को आज मैं एक मंत्र देना चाहता हूँ, आप दवाओं को भगाना चाहते हो तो 10 बजे 11 बजे जैसे आपका खाना बन जाए एक बार आप ऐसे खड़े रह जाइए और उस खाने को 2 चीज सीख लो। जितना भी हमारे घर में पानी है उसको अमृत बना दो। पानी दे रहे हो तो मैं अमृत दे रही हूँ, और घर के अंदर जितना भी भोजन बन रहा है, आज करोड़पति व्यक्ति भी हिंदू मंदिर में जाएगा हाथ ऐसे करेगा, वो भिखारी नहीं है लेकिन प्रभु द्वारा जो वासित प्रसाद है उसको ग्रहण करने के लिए वो लाइन में भी खड़ा रहने के लिए तैयार है। वो जो हैप्पी हॉर्मोन्स है, तो 10 से 11 बजे सभी महिला खाना जैसे ही बन जाए आँख बंद करके कोई मंत्र याद आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं आए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली इतना हाथ रख करके बोल दो कि मेरे घर में बना हुआ भोजन प्रसाद है। आपके भोजन में ऐसा स्वीटनेस आ जाएगी, ऐसा हेल्दीनेस आ जाएगी, बहुत सारी बीमारी छू मंतर आप मिरेकल अनुभव नहीं कर पाएंगे कहाँ चली गई, और वो हमने करके दिखाया है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है इजी पॉइंट। तो दूसरे नंबर का हर महिला ये करो, पानी देते समय अमृत की भावना, भोजन में प्रसाद की भावना, घर का मुख्य किचन जो हमका सोमारा सोने का रूम है, एंट्री है। तीसरे नंबर की सबसे अगत्य की, हमारी इतनी सारी धर्म क्रिया हमें क्यों रिजल्ट नहीं दे रही है, तो पहले नंबर में चेक करो कि हमारा मंदिर जो है
लाखों लोगों का मंदिर जो है कच्चर खाना है। क्या बोल रहा हूँ, मंदिर कच्चर खाना, इतने सारे भगवान, इतने सारे फोटो, कुछ मंदिरों में टूटी फूटी चीज़ें, और ये गुरु के पास ये यंत्र ला दिया, ये गुरु के पास ये यंत्र ला दिया, कुछ चीज़ें बरसों से चली आ रही, उन सबको निकाल दो, उन दो तीन चीज़ों को ही रखो कि जो देख के आपको कुछ अटैचमेंट हो, आपको फील हो कि मेरे प्रभु सामने बैठे हैं। उन चीज़ों को 15 दिन महीने में बराबर साफ करो, नलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, थोड़ा सा वहाँ अत्तर करो, एक सुधारा। आज के पूरे जो हमारा सेमिनार का एक खाली मैं आपको बताता हूँ, आपका मंदिर शुद्ध कर दो, वहाँ पर सुगंधित थोड़े से महीने में खाली 10 रुपये के फूल ला करके रखो, प्रभु का पक्षाल करो, वो पक्षाल आप पीना चाहो तो पी लीजिए, छिटकना चाहो तो छिटकना छिटक दीजिए। 98% प्रॉब्लम मैं लिखित में दे सकता हूँ, यदि ईशान कोने में मंदिर है, शुद्ध मंदिर है, महीने में एक बार 10 मिनट की प्रेयर हो रही है, वो प्रसाद आप खा रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका माइंड जो है खाली हो जाएगा, और जो खाली होता है वहाँ पर ही अच्छी चीज़ों का स्टोरेज होता है। तो आज से खाली होना स्टार्ट कर दीजिए, और बहुत बहुत सभी को खुशी मिले, आनंद मिले, आपने भी बहुत। तो ये प्रोग्राम देखने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको गुरुजी से कुछ परामर्श प्राप्त करने हैं और कुछ जानकारी लेनी है और समस्याओं का समाधान करना है इवेंट में जाने से पहले, तो आप संपर्क कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाए जा रहे हैं, जहां पर कोई नहीं जा सकता वहां पर गुरुजी जाके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जय जिनेंद्र। मंत्र वास्तु जैन ज्योतिष मंत्र उच्चारण का विशेष अभ्यास करने वाले विश्व प्रसिद्ध अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ श्री निकुंज भाई गुरुजी ने देश विदेश के अनेक संघों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अभियान 18 साल से पर्वाधिराज पर्युषण की आराधना, जैन मंत्र शास्त्र योग ध्यान, प्राचीन शिल्प और वास्तु के 18 से अधिक ग्रंथों का संपादन संकलन, अभी तक 100 से अधिक साधु साध्वी जी भगवंतों को सम्यक ज्ञान पान कराया, 2011 में लगातार 3 महीने तक महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों में नवकार महामंत्र की विशिष्ट आराधना और अनेक व्यक्ति को व्यसन मुक्ति अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन, 2012 में हिंदू वैदिक संस्था की ओर से मंत्र और वास्तु विद्या का गहन अभ्यास, 2015 में नैरोबी, मुम्बासा, थीका, दार ए सलाम आदि अनेक देशों में जीवन परिवर्तन शिविर, 2019 में यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, 2019-20 में समग्र जैन शासन में रात्रि प्रवचन माला से 150,000 से ज्यादा लोगों को भक्तामर हीलिंग अभ्यास, 2021 इंदौर में द बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया, 2022 श्री दुबई जैन संघ एवं सूडान अफ्रीका में 9 दिवसीय भक्तामर हीलिंग साधना जैन अनुष्ठान के द्वारा 2 बार 125,000 कमल पुष्प से माँ भगवती पद्मावती का अनुष्ठान, अहमदाबाद जैन अनुष्ठान के द्वारा 1 बार 125,000 कमल पुष्प से श्री यंत्र विधान, श्री भवानी माता मंदिर पूना विश्व में सबसे पहली बार अहमदाबाद रिवर फ्रंट पर 3600 सजोड़े को बिठाकर आसो सुदी 5 के दिन श्री माणिभद्र वीर महाहवन पूजन किया है। ऐसे परम ज्ञानी जन समाज के उत्थान के प्रति अग्रणीय रहने वाले गुरुजी ने न जाने कितने धर्म किए हैं और करते जा रहे हैं।